अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ। आज डिस्का इंजीनियरिंग की जो प्रोडक्ट है ब्लॉक बनाने वाली मशीन, इसके हवाले से बात करेंगे कि ये कितने में मिल जाती है, कैसे ये कारोबार किया जा सकता है, कितना तकरीबन खर्चा आ जाता है। मिक्सर है, मिक्सर कितने में मिल जाती है, छोटी मशीन कितने की, बड़ी कितने की, ये सारी बातें क्लियर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉक जो है इसकी अहमियत कुछ इलाकों में बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि जैसे ये मशरक़ी पंजाब है, यहाँ पे ईंट का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। यूँ कह लें कि तकरीबन 12,000 रुपये की 1,000 जो है ईंट मिल रही है, बाज़ इलाकों में 11 की, बाज़ इलाकों में 12,000 रुपये तक, इतना जो है रेट हो चुका है। इसकी वजह से जो है ना रुझान बढ़ रहा है ब्लॉक का, कि लोग ब्लॉकों से जो है मकान तैयार करने लगे हैं। इसमें होता ही है कि पहले जो आपने ढांचा तैयार करना है अपने मकान का या बिल्डिंग का, वो पहले जो है वो सीमेंट के, कंक्रीट के जो है वो पिलर तैयार कर लिए जाते हैं, और उसके दरमियान में ये फिर ब्लॉक जो है वो लगा दिए जाते हैं। इसका जो वेट भी ईंट की बनिस्बत फिर हल्का होता है और ज़्यादा वज़न नहीं पड़ता। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तो उसमें जो है वेट का भी थोड़ा लिहाज रखना होता है। तो ब्लॉक जो है इसमें दो किस्म के होते हैं, एक ठोस होता है और एक जो है वो हॉलो होता है। हॉलो यानी वो वाला कि जो दरमियान से खाली होता है, जो दरमियान से खाली होता है उसका वज़न भी ज़ाहरी बात है कम होता है। और दूसरा ये कि ये जो है जो बिल्डिंग ब्लॉक से तैयार की जाती है उसकी कास्ट तकरीबन दूसरी बिल्डिंग से 70% तक कम आती है। यूँ कह लें कि अगर एक कमरा आपका 1,00,000 रुपए में तैयार होना है ईंट से, तो वही अगर आप ब्लॉक से तैयार करते हैं तो तकरीबन 70,000 रुपए में तैयार होता है। इतना यानी फ़र्क आ जाता है ब्लॉक से तैयार करने में और ईंट से तैयार करने में। बाज़ इलाके हैं जहाँ पर ईंट सस्ती है, वहाँ पर यही मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ईंट से ही बनाएँ, क्योंकि ईंट की मज़बूती अपनी जगह है। खैर, अब ब्लॉक की अहमियत तो हमने पता चल ली कि, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ईंट से ये मज़बूत है, ईंट मज़बूत होती है, लेकिन वो इलाके जहाँ पे ईंट बहुत महंगी है वहाँ पे जो है ब्लॉक का इस्तेमाल हो सकता है। तो अब अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है इन इलाकों में जहाँ पे ईंट महंगी है, तो कैसे वो शुरू करेगा? उसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको जगह रिक्वायर्ड है, जगह ऐसी इंतखाब करें कि जहाँ पर जो है कोई बड़ा जीटी रोड या मेन जो है रोड वहाँ पे चलता हो, कि जहाँ पे हर आने जाने वाले की नज़र पड़ती हो। कि आप एक इलाके में एक साइड पे अगर बैठ जाते हैं ब्लॉक तैयार करने, तो क्योंकि आपने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया होगा तो लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा बिज़नेस चल रहा है, तो उस सूरत में आपको लॉस हो सकता है कि आपका तारुफ ही नहीं बन पाया। क्योंकि शुरू में कोई भी बिज़नेस है उसको चलते चलते कुछ अर्सा रिक्वायर्ड होता है, कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, पैसा इन्वेस्ट किया होता है, और जब आपके पास कस्टमर नहीं आता आप कंफ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरा पैसा जो है इतना मैंने इन्वेस्ट किया है। तो उसके लिए मैं जो बुनियादी गलती है वो बता रहा हूँ आपको, कि रोड से हट के कहीं दूर जाके आपने नहीं शुरू करना, बल्कि मेन रोड पर ही कहीं शुरू करें, भले आपको जगह जो है किराए की लेनी पड़े। किराए की जगह लेते हुए आपने एहतियात ये करनी है कि जो है जिससे भी किराए की जगह ले रहे हैं उससे कम अज़ कम 10 साल का मुआहदा कर लेना है, 8-10 साल का इतना मुआहदा कर लेना है और फिर वो जगह लेनी है। क्यों इतना लंबा मुआहदा करना है? उसकी वजह यह है कि जहाँ पे आप ये काम करेंगे वहाँ पे आपको इस तरह फर्श डालने की ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉक जो है तैयार करने के लिए। तो फर्श अगर आप डालते हैं तो उस पर भी आपकी कॉस्ट आती है। कम अज़ कम कोशिश करें कि जो है 5 मरले की जगह हो जहाँ पर आपका ये फर्श डले, और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए आपने ये मुआहदा कर लेना पहले। उसके बाद बारी आती है मशीनों की, कि मशीन आपको कितने कितने में मिलेगी ये मैं आपसे आपको बताता जाता हूँ। पहले जो वीडियो है उसमें हमने इसका रेट इन मशीनों का 1,30,000 रुपये बताया हुआ है, लेकिन अब चूंकि हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ रहा है, तो अब मौजूदा जो इसकी कीमत मई 2020 में इसकी कीमत है 1,35,000 रुपया। ये अगर लोहाबाद में सस्ता हो जाता है तो ये कम भी हो सकती है या मज़ीद भी बढ़ सकती है। अभी मई 2020 का मैं रेट, जो भी रेट बताऊंगा वो मई 2020 का होगा। 1,35,000 रुपये में आपको मशीन मिलती है। उसके बाद आपको डाइयाँ रिक्वायर्ड होती हैं। डाई जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डाई लगी हुई है 6/8 16 की 6/8 12 की। तो 6/8 12 से क्या मुराद है, यानी 6 इंच इसकी चौड़ाई होगी, 8 इंच ऊंचाई होगी ब्लॉक की, और जो लंबाई है वो 12 इंच होगी। इसी तरह मुख्तलिफ डाइयाँ होती हैं, 4/8 12 6/8 12 4/8 16
8, 8, 8, 16 इस तरह जो है मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाई बनवाते हैं। फिर इसमें दो किस्म की डाइयाँ होती हैं, एक होती है हॉलो और एक होती है ठोस। ठोस से कैमरा जो मैं पहले भी बता चुका है कि वो बिल्कुल भरा हुआ ब्लॉक होता है, जैसा कि कराची साइड पे जो है वो ठोस ब्लॉक यूज़ होता है, लेकिन हमारे पंजाब साइड पे जो है वो ठोस कम इस्तेमाल होता है बल्कि हॉलो जो ब्लॉक है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हॉलो जो है दरमियान से खाली होती है डाई। अब एक डाई जो है वो तो मशीन की कीमत में ही शामिल है, जब आप मशीन लेंगे उसी के साथ आपको एक जो है डाई मिलेगी, और उसके अलावा आप अपने बिजनेस को देखते हुए कि किस लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं उस लिहाज से साथ डाइयाँ अटैच कर सकते हैं। तीन ले लें, चार ले लें डाइयाँ, तकरीबन शुरू में आप एक ही अमूमन कस्टमर लेके जाते हैं, लेकिन बाद में वो तीन चार डाइयाँ तक तो कम अज़ कम वो रखते हैं। तो डाई की कीमत है 30,000 रुपया पर डाई कीमत है, मशीन की 1,30,000, डाई की कीमत 30,000 रुपया। और उसके बाद आती है ये मिक्सर की बात। ये मिक्सर जो है ये आपको मिल जाता है, अगर ये वाला छोटा मिक्सर लिया जाए तो 1,25,000 रुपये में ये मिल जाता है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बड़ा कारोबार करना चाह रहे हैं तो फिर बड़ा मिक्सर ही लें उसमें। और इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें जो आपकी लेबर लगी होनी है उसने वो दाबड़ा टाइप पकड़ के उसके ज़रिए इसमें कंक्रीट जो है डालना है, उसकी वजह से लेबर जो है उसको थोड़ी सी मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती है। वो बड़ा मिक्सर जो होता है उसमें जो है ये हिस्सा जो है उसका बिल्कुल नीचे आ जाता है ज़मीन के साथ, और पूरी रेडी भर के उसमें डाल दी जाती है, और फिर बटन दबाने से वो लीवर खींचने से वो उठ के खुद ब खुद इसमें गिर जाता है। उसमें लेबर जो है वो ईजी रहती है, इसमें लेबर जो है उसको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, अगर आप अपना कोई मकान वगैरह तैयार करना चाह रहे हैं और उसके लिए मशीनरी लेना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए ये छोटी मशीन ही लें, बड़ी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉर्मल किस्म का बिज़नेस करना है उसके लिए भी छोटी मशीन ही ले सकते हैं, बाद में जैसे ही तौफीक मिले आप बड़ी मशीन भी ले सकते हैं। तो ये तो बात होगी मशीनों की जो इसमें रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ सकती है इस कारोबार में वो है जी तीन रेडियाँ, हाथ वाली रेडी जो होती है उस पर आपने जो कंक्रीट है, एक में तो कंक्रीट लाया जाएगा मिक्सर में डाला जाएगा, और अगर आप छोटी मशीन ली है फिर उसमें वो वाली रेडी नहीं लेनी पड़ेगी बल्कि दाबड़ों के ज़रिए ही, हमारे इलाके में दाबड़ा ही बोलते हैं, बाज़ इलाकों में तांबिया और तसला इस टाइप के नाम होते हैं, तो वो जो है यूज़ होगा इसमें, तो उसके ज़रिए डलेगा। उसके बाद एक रेडी होगी जिसमें ये माल फिर जो है डाला जाएगा, और फिर डाल के ला के इस मशीन में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, और इसको एक आदमी चलाता चला जाएगा और ब्लॉक निकाल के फिर थोड़ा पीछे ले जाता चला जाएगा। हो सका तो वो प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको दिखाई दी जाएगी। तो उम्मीद है कि बहुत सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। और हाँ, आगे बात आती है कि मजदूरी क्या होती है इसकी। ब्लॉक अगर आप तैयार करवा रहे हैं तो अगर लेबर आप हायर करते हैं तो लेबर आपसे लेती है 4 रुपये पर ब्लॉक के हिसाब से। अब वो 3-4 आदमी लगे होते हैं, 1-1 रुपया उनको आ जाता है पर ब्लॉक के हिसाब से। और अगर प्रॉपर बड़ी मिक्सर लगी हुई है तो इस तरह आपका तकरीबन दिन में 1500 से 2000 ब्लॉक जो है वो तैयार हो जाता है, 4 मज़दूर अगर लगे हुए हैं तो उसके साथ। तो ये थी मालूमात। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। और नंबर जो है मैं कैमरा मैन से कहूँगा ये करीब आके थोड़ा दिखा दे, ये लिखा हुआ है डस्का इंजीनियरिंग 03244909112। और अगर विज़िट करना चाहें तो डस्का में तशरीफ़ लाएँ, GT रोड, ये गुजरांवाला रोड है डस्का से, बिस्मिल्लाह CNG के बिल्कुल करीब है। डस्का इंजीनियरिंग प्रीवियस नेम है उरा इंजीनियरिंग, और अब न्यू नेम है इसका डस्का इंजीनियरिंग। यहाँ पे तशरीफ़ ला के ये मशीनरी वगैरह हासिल कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।